दोस्तों, आपका लाइफ का गोल क्या है? आपको अमीर बनना है या आपको एक सेट अमाउंट का पैसे कमाने हैं? अगर आपके माइंड में ये है कि आप इतना इतना पैसा कमाना चाहते हैं, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि आप एक साल में 2 करोड़ या 5 करोड़ कमाना चाहते हैं, दोस्तों ये एक गोल हो जाएगा जो नंबर वाइज कहा जाएगा। पर अगर आप अमीर बनने का गोल रखते हैं तो वो आप कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छे से देखा जाए तो लखपति भी अमीर है, अरबपति भी अमीर है, करोड़पति भी अमीर है, खरबपति भी अमीर है। अगर आपका गोल ये होता है कि आप इतने अमाउंट का पैसा कमाएंगे और उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप सिर्फ उतना ही कमाएंगे और उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपका गोल कंप्लीट हो चुका होगा, आप अपने गोल को अचीव कर चुके होंगे, आप अपने सपने को पूरा कर चुके होंगे। लेकिन अगर आपका सपना ये बन जाए कि आपको अमीर बनना है, तो आप फिर लखपति बनने के बाद में भी ग्रोथ करते रहेंगे या करोड़पति बनने के बाद में भी ग्रोथ करते रहेंगे, क्योंकि आपका सपना किसी नंबर को अचीव करना नहीं है, बल्कि आपका सपना अमीर बनना है। अमीर बनना किसी भी हद तक जाया जा सकता है, आप जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अमीर बनने के गोल में कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको कितना पैसा कमाना है। और जबकि अगर आप एक लिमिट अमाउंट डिसाइड कर ले तो उसमें एक लिमिट आ जाएगा कि आपको इतना ही पैसा कमाना है। इस तरीके से आप उतना ही एफर्ट करेंगे जितना उस पैसे को अचीव करने के लिए एफर्ट लग रहा है, या आप उससे भी कम करेंगे, क्योंकि इंसान हमेशा उतना ही मेहनत करता है जितना उसका गोल होता है या जितना उसे लगता है कि वो उस मेहनत से गोल को अचीव कर सकता है। इसलिए अगर आपका पर्पस ही या गोल ही यही बन जाए कि आपको अमीर बनना है, तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी डिसाइड किया हुआ मनी नहीं रहेगा या नंबर नहीं रहेगा कि आपको इतना अचीव करना है और उसके बाद रिलैक्स हो जाना है। जबकि अगर आपके पास यही गोल रहेगा कि आपको अमीर बनना है, तो आप हमेशा ही मेहनत करते रहेंगे, हमेशा ही खुद को अपग्रेड करते रहेंगे, हमेशा खुद को अपस्किल करते रहेंगे, क्योंकि आपका मेन गोल अमीर बनना है। आपका गोल किसी भी चीज़ को पीछे करना नहीं है, आपका मेन गोल खुद को अमीर बनाना है। और जो इंसान खुद को अमीर बनाना चाहता है, वो कितना भी कोशिश कर ले, अपने आप को रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, क्योंकि उसका गोल ही इस तरीके से होता है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे खुद काम करवाने लगता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा आलसी भी है, फिर भी अगर उसका गोल अमीर बनने का है, तो वो उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे काम जरूर करवा ही लेगा, चाहे वो एथिकल तरीके से करवाए या अनएथिकल तरीके से करवाए, पर उसे जो गोल उसने डिसाइड किया है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे वो अचीव करवा करके ही दम लेगा, या फिर उसके लिए एफर्ट जरूर करवाएगा। धन्यवाद।